प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए सभी राज्यों में से एक एक गांव का चयन कर उस गांव को संपूर्ण योग ग्राम के सिद्धांत पर विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र के 27,000 गाँव में से खुर्सापार तहसील काटोल जिला नागपुर ग्राम पंचायत को यह सम्मान मिला है। खुशी की बात यह है कि खुर्सापार को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। खुर्सापार को संपूर्ण योग ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां साल भर योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मैं इस क्षेत्र का पूर्व विधायक हूं और मैंने व्यक्तिगत रूप से इस ग्राम पंचायत के उल्लेखनीय कार्य को देखा है। मैं खुर्सापार के यौगिक विकास के लिए प्रयास करता रहूंगा। हर किसी को अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ और फिट रखने के लिए योग प्राणायाम की जरूरत होती है। योग के कारण विदर्भ में किसानों की आत्महत्या के दर में कमी आई है और वे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। किसानों, मजदूरों, बुजुर्गों, महिलाओं, पुरुषों, छात्रों और सभी नागरिकों को स्वस्थ शरीर और दीर्घ जीवन के लिए योगाभ्यास दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। योग के अभ्यास से किसानों और उनके परिवारों को तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। मैं खुर्सापार में आयोजित इस भव्य योग दिवस को विदर्भ के किसानों को समर्पित कर रहा हूँ। यह प्रतिपादन काटोल के पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर आशीष देशमुख ने किया। देश के सबसे बड़े आदर्श गांव खुर्सापार तालुका काटोल जिला नागपुर में भव्य विश्व योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों, ग्रामीण महिलाओं व छात्रों के साथ योग कर स्वस्थ व प्रगतिशील भारत का डॉक्टर आशीष राव आर देशमुख ने संकल्प किया और सभी को विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सरपंच सुधीर गोटमारे व ग्रामीणों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यह हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी समूचे विश्व में फैलाया। आज हमें यह जानकर खुशी होती है कि मोदी जी यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और उसी माध्यम से हमारे देश की विरासत, हमारी संस्कृति योगा और योगा के द्वारे समूचे विश्व को निरोगी बनाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। आज हमें खुशी है कि महाराष्ट्र के 27,000 गांवों में से एक गांव जो चुना गया था वो हमारे काटोल तहसील का खुर्सापार गांव है और यहां पे संपूर्ण योगा ग्राम करके साल भर विभिन्न योगा के कार्यक्रम चलेंगे। आज यहां पे हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। पूरे गांव के सभी किसान, हमारे मजदूर भाई, हमारी सभी महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई और हमने पाया है कि जब से 2014 से योगा का अनुकरण हमारे सभी ग्रामवासी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे विदर्भ में किसानों के आत्महत्याओं में कमी हुई है और निश्चित तौर पे सभी किसान और उनकी फैमिलीज ये निरोगी जीवन जीने में सफल हो रही है। मैं इस खुर्सापार ग्राम के सरपंच सम्माननीय सुधीर जी गोटमारे का भी तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ कि पिछले 3-4 सालों में विभिन्न केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं ये बहुत ही अच्छी तरीके से अपने गांव में कार्यान्वित करके रहे और अभी यह संपूर्ण योगा ग्राम करके जो चयन हमारे गाँव का हुआ है उससे भी एक खुशहाली और एक जिंदा दिली हमारे किसानों में आएगी और यह ग्राम आने वाले दिनों में सही मायने में आदर्श ग्राम करके सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं समूचे देश में आ जाए। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।